हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि ट्रेन रिलेटेड, जर्नी रिलेटेड वीडियोस है। और हम आज फिर से खड़े हैं मऊ जंक्शन पे, और आज बहुत टाइम बाद हमारी फिर से एक विश पूरी हुई है। और ये काफ़ी टाइम से एक मेरी विश थी, एक इच्छा थी कि हम क्यों ना आपको एक ऐसी ट्रेन है जो मऊ से बन के चलती है उसकी हम एंड टू एंड जर्नी दिखाएं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक की पूरी जर्नी दिखाएं। और उम्मीद करता हूं अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो आगे इस तरीके की बहुत सारी जर्नीज को दिखाएंगे हम। तो चलिए आज की हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेन नंबर 22539 मऊ जंक्शन से चलती है और आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है। मऊ जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस जिसकी हम जर्नी करने जा रहे हैं। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन यानी कि फ्राइडे और ट्यूसडे को मऊ जंक्शन से चलती है और आनंद विहार टर्मिनल के जाती है, जो कि रात को 8:50 पर मऊ जंक्शन से डिपार्च करती है और अगले दिन सुबह 11:30 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। और आज की हमारी भी जर्नी होने वाली है ना, ये भी AC 3 टियर में होगी। हमारा कोच है B2। सो गाइस, अभी तक ना मैं इस ट्रेन में जितनी भी जर्नी किया हूँ ना वो AC 3 टियर में ही किया हूँ। अभी तक मैंने स्लीपर की जर्नी, मतलब AC की जर्नी मैंने दिखा दी आपको, स्लीपर की जर्नी नहीं दिखाई है। तो आगे उम्मीद करता हूँ कि अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो मैं आपको स्लीपर की जर्नी भी दिखाऊंगा इस ट्रेन की कैसी है और क्या क्या मतलब सफाई है, कितनी क्लीनिंग है, कितना क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आज की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट से, और हम आज ट्रैवल करेंगे फाइनली आनंद विहार दिल्ली तक। तो ये बहुत टाइम की एक विश थी और ये पूरी हो गई है। और हम खड़े हैं मऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमारे ट्रेन का डिपार्चिंग टाइम 8:50 है। चार्जर सॉकेट भी हर एक जगह पे है, ऊपर अपर बर्थ पे भी है, और ये पर्दे लगे हुए विंडो पे, और ये है आप देख सकते हैं रीडिंग लाइट, मैंने पहले भी दिखाया आपको। तो फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है मऊ जंक्शन से। देख सकते हैं आप अपने राइट टाइम 8:50 पे एकदम राइट टाइम डिपार्च कर चुकी है। WAP 5 गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें आज, जबकि इस ट्रेन में हमेशा WAP 7 लगता है, बट आज मैंने पहली बार देखा कि WAP 5 लगा हुआ है गाज़ियाबाद का। चलिए डिपार्चर दिखा दिया, मिलता हूँ आपको आगे। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ दिखा रखा है इस ट्रेन के बारे में आपको, ओडियारी जंक्शन भी दिखाया है, जौनपुर भी दिखाया है। ये मिल गया हमको पेट्रोल किट, ये देखिए पूरी पैक है, सील पैक। और देखिए अपने टाइम से बिफोर 9:45 टाइम है इसका और 9:44 पर ये अराइवल हो रहा है इसका ओडियार जंक्शन पे। यहाँ पे सामने कोई ट्रेन खड़ी है, तो फाइनली 58 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं ओडियार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ARJ। ये इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है और यहाँ पे ये ट्रेन आई है अपने टाइम से 1 मिनट बिफोर। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक रूट यहाँ से बनारस की तरफ कटता है वाराणसी की तरफ, एक रूट यहाँ से गाज़ीपुर की तरफ कटता है, और एक रूट जिससे हमारे मऊ की तरफ से, और एक रूट यहाँ से जौनपुर की तरफ निकलता है। तो ये 4 रूटों का जंक्शन है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और जिसका स्टेशन कोड है ARJ। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म है 4। सामने खड़ी है संगम एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से जौनपुर तक के बीच चलती है, संगम एक्सप्रेस स्पेशल है ये। हाँ जी, तो फाइनली 116 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम आ चुके हैं जौनपुर, जौनपुर जिसका स्टेशन कोड है JNU। और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम था रात के 11:05 और ये ट्रेन आई है 11:15 पे, मतलब कि 10 मिनट के डिले से आई है ट्रेन यहाँ पे। और जौनपुर यहाँ से एक रूट कट के आता है सुल्तानपुर की तरफ, और एक रूट जिससे हमारे ओडियार की तरफ से, और एक रूट यहाँ से कटता है बनारस की तरफ, और एक रूट यहाँ से कटता है शाहगंज की तरफ। तो वैसे रात काफ़ी हो चुकी है और अब यहाँ से डिपार्चिंग दिखाने के बाद मैं सीधा सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी बार इस रूट को दिखा दिया है और जौनपुर को मैंने कई बार कवर किया। तो फाइनली मैंने सोचा इस बार भी, क्योंकि फुल जर्नी कर रहा हूँ मैं स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की ट्रेन की, मैंने सोचा क्यों ना जौनपुर को फिर से दिखा दूँ एक बार, इसलिए मैं जगता रहा और फिर मैंने आपके लिए जौनपुर दिखाया। तो अगर गाइस जो भी लोग जौनपुर से होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, इस तरीके से हम और बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे और बहुत सारी ट्रेनों में हम फुल जर्नी करेंगे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की। चलिए फाइनली हमारी ट्रेन जौनपुर से डिपार्च कर चुकी है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। देख सकते हैं आप, ये रहा पीछे जौनपुर,
द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल पे, इसका स्टेशन कोड है CNB, और यहाँ पे ये ट्रेन ना बिल्कुल राइट टाइम आई है। और अभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कानपुर सेंट्रल पे गाड़ी खड़ी है। तो चलिए यहीं से गुड मॉर्निंग करते हैं आपका, और यहीं से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। ये देखिए हमारे सामने नॉर्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है कामाख्या से दिल्ली, नई दिल्ली से कामाख्या, और हम यहाँ से डिपार्च कर चुके कानपुर सेंट्रल से। कानपुर सेंट्रल इसका स्टेशन कोड है CNB, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ 10 है, और ये स्टेशन ना दिल्ली हावड़ा रूट का सबसे बड़ा और सबसे मेन स्टेशन। सडन मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि ट्रेन कहीं खड़ी है, और मैं निकला तो देखा कि कानपुर सेंट्रल था ये। लकीली मैंने इसको कवर कर लिया आज, और हम बिल्कुल सुबह सुबह कानपुर सेंट्रल को जा लेते हुए। अब ये ट्रेन ना यहाँ से बिल्कुल राजधानी ग्रेड की ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टॉप है सीधे आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली है। काफी बड़ा यार्ड है। कानपुर सेंट्रल नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में आता है, इलाहाबाद डिवीजन के अंदर। कानपुर जिसको लेदर इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जिसको किसी ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ एशिया भी कहा जाता था, मतलब वो चीज़ें नहीं रही शहर के अंदर, मगर लेदर इंडस्ट्री अभी भी बाकी है। इवन यहाँ पे IIT कानपुर भी है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। और ये अराइवल हो रहा है पुष्पक एक्सप्रेस का, जो कि CSMT से लखनऊ तक पुष्पक एक्सप्रेस। मैं बिल्कुल राइट टाइम से ये कानपुर सेंटर से डिपार्च किए, और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है आनंद विहार टर्मिनल। और यहाँ सामने से किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, उदना रीवा। ये अभी ICF कोच के साथ वाली ट्रेन कोई है, उदना रीवा। ये देखिए झांसी चित्रकूट रूट से ही आ रही है, और हम कट रहे हैं दिल्ली वाले रूट पे। तो सामने से ट्रैक कट रहा है ना, ये ट्रैक कट रहा है यहाँ से। फाइनली हमारी ट्रेन कानपुर से चले हुए काफ़ी देर हो चुका, और काफ़ी स्पीड में कंटिन्यूसली कानपुर से चल रही है। तो आइए चलिए दिखाते हैं बाहर का नज़ारा आपको।
मंडली के बीच जो हावड़ा रूट है ये उसका फोर लाइन किया जा रहा है। वो ट्रैक है जिसपे गुड्स जो गाड़ी है ना वो चलेंगी, मतलब कानपुर से दिल्ली के बीच फोर लाइन हो जाएगा। एक ट्रैक मेरे पीछे है और दो ट्रैक यहाँ है, एक चल रही चार लाइन हो जाएंगी और जिसपे दो रिजर्व की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए और दो रिजर्व की जाएंगी पैसेंजर ट्रेनों के लिए। बात करूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की ना, तो इस ट्रेन में टोटल 22 कोच लगते हैं, जिसमें से एसी 3 टीयर के 7 कोच, एसी 2 टीयर के 2 कोच और स्लीपर के 7 कोच और 4 जनरल क्लास के कोच लगते हैं। इसके अलावा जनरेटर और गार्ड्स का भी कोच लगता है वो अलग है। और आज इस ट्रेन में WAP5 गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव लगा हुआ है, बाकी मोस्टली टाइम WAP7 लगा रहता है इस कोच का। बात करूँ अगर फेयर की ना, तो मेरा फेयर पड़ा हुआ है एसी 3 टायर का आनंद विहार टर्मिनल तक का मऊ से 1225 रुपया ये है इसका फेयर, और स्लीपर का 450 रुपये अराउंड है। मैं जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्लियर, अभी मुझे याद नहीं। तो चलिए ये रहा इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन, आगे स्किपिंग दिखाता हूँ, दूंगा टूंडला की दिखाऊंगा, अलीगढ़ की दिखाऊंगा अगर चांस मिला तो। यहाँ से आगरा की एक रूट कटता है इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। हम निकल रहे हैं मेन लाइन से दिल्ली की तरफ, यहाँ से आगरा के लिए एक रूट निकलता है। ये देखिए ये रूट कटा हुआ आगरा के लिए, जो सामने रूट दिख रहा है ना आपको ये आगरा के लिए निकल गया है और हम निकल रहे हैं इस रूट पे सीधा दिल्ली। तो चलिए बात करूँगा वॉशरूम की कंडीशन की। तो ये देखिए यहाँ पे बेसिन बिल्कुल साफ है और पानी आ रहा है और मिरर हल्का सा गंदा है और यहाँ पे रखा है फायर एक्सटिंग्विशर और ये है डस्टबिन, यहाँ भी डस्टबिन है काफ़ी साफ है। और आइए दिखाते हैं आपको फिर इंटरनल वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी साफ है, बेसिन साफ है, मिरर भी सही है, क्लीन है और यहाँ पे शैम्पू आ रहा है तो सही है। तो अगर बात करूँगा वॉशरूम की और सारी चीज़ों की ना, तो साफ़ है बिल्कुल। और हम अभी दिल्ली पहुँचने वाले हैं, मतलब कि मैंने शाम में भी चेक किया था और अभी भी देख रहा हूँ तो पानी कंटिन्यू आ रहा है और सारी सफाई है, तो आई थिंक ये बढ़िया है। प्रीवियस जर्नी के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफ़ी चीज़ें सही हैं। दादरी गाज़ियाबाद को स्किप कर रहे हैं।
गाजियाबाद को बहुत धीरे धीरे स्पीड से स्किप कर रहे हैं। यहाँ से खड़ी है बनारस नई दिल्ली मड़ुवाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसको हम ओवरटेक करने जा रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप बनारस मड़ुवाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये कोई केमिकल इंडस्ट्री लग रही है। आनंद विहार माधोपुर हम सफर खड़ी है और हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पे। 15 मिनट डिले, हालांकि ये ट्रेन बिफोर चल रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आए हम। हालांकि ये ट्रेन बिफोर चल रही थी मगर साहिबाबाद के आसपास बीच में रोक दिया गया, काफ़ी बिफोर थी ये ट्रेन। बट अब हम आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं फाइनली, जिसका स्टेशन कोड है ANVT। और हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल, जिसका स्टेशन कोड है ANVT। और हम 854 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम पहुंचे हैं अपने टाइम से 15 मिनट डिले, जबकि ये ट्रेन बिफोर चल रही थी और इसको गाज़ियाबाद और साहिबाबाद के बीच में काफ़ी रोका गया और इसको ऑन टाइम के बजाय डिले कर दिया गया। चलिए जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एवरेज अबव था और वॉशरूम वगैरह क्लीन था और ट्रेन की पंक्चुअलिटी आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी रही। और मेरी ये फर्स्ट जर्नी है जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की जर्नी थी और इस जर्नी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आप सपोर्ट करेंगे और हमें और भी इस तरीके की जर्नी बनाने का और दिखाने का मौका देंगे आप। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और ये है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। जस्ट पीछे इसका आनंद विहार टर्मिनल।